डॉक्टर, किन किन सूरतों में औरतों का जो वजाइना टेस्ट होता है वो ज़रूरी हो जाता है? स्त्रियों के रोगों को पूरी तरह से समझने के लिए वेजाइना का टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इस तरह के परीक्षण से स्त्री के सारे प्रजनन अंगों के स्वस्थ या अस्वस्थ का ज्ञान बड़ी आसानी से हो जाता है। वेजाइना टेस्ट जहाँ इतना महत्वपूर्ण है, वहीं इसको विधिवत कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और अगर इसका अभ्यास पहले से ही हो ना, तो इसमें और आसानी हो जाती है। वेजाइना टेस्ट करने की विधि जानने से पूर्व डॉक्टर को कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, वो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, वेजाइना टेस्ट में उपयोग होने वाले विविध यंत्र। नंबर सेकंड, लेडीज का टेस्ट करते समय उसे लेटाने की पोजीशन या फिर स्त्री रोग से पीड़ित स्त्रियों के अलग अलग आसन। नंबर थ्री, वेजाइना टेस्ट की पूरी तैयारी। नंबर फोर, वेजाइना टेस्ट का तरीका। जब तक इन सब की पूरी जानकारी ना हो, वेजाइना टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें वेजाइना टेस्ट के काम आने वाले यंत्रों के बारे में बताती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मैं जिन जिन यंत्रों के बारे में बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ वेजाइना टेस्ट के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि विस्फारण और आक्रमण जैसी महत्वपूर्ण क्रिया के लिए भी आवश्यक है। अमित, विस्फारण और आक्रमण के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हाँ, इस क्रिया को जाने बिना कोई भी डॉक्टर गर्भपात आदि विकृतियों को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए अमित, महत्वपूर्ण क्रिया के प्रयोग में आने वाले तथा वेजाइना टेस्ट के लिए जरूरी सारे यंत्रों के बारे में फिर कभी बताऊंगी। एक्चुअली मैं अभी मुझे ना दूसरे क्लिनिक जाना है, मैं तुम्हें बाद में टाइम देती हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम फिर कभी इस बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर कभी चलता रहेगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ओके।